क्वेश्चन नंबर 9। वही समकोण त्रिभुज, आ रही है आवाज अब तो? यस सर। बस ठीक है, हाँ सर। ये समकोण त्रिभुज ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी छाया की, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई माना, छड़ की लंबाई x, ठीक है ना, और छाया की लंबाई बोलो क्या होगी, रूट तीन एक्स। पूछो क्यों, एक अनुपात रूट तीन है ना, ये एक्स है तो रूट तीन एक्स, ये वाई है तो रूट तीन वाई, ये दो है तो वो दो रूट तीन गुणा हो जाए, ये एक्स है और ये रूट तीन एक्स है। और अब निकालना है, हाँ एक एक्स, आप एक को लिखते नहीं है भाई, ये थीटा, और अब कोई नहीं भी आया वो भी समझ सकता है, ये जैसे कहा मैंने समकोण त्रिभुज में लिख लिया, छड़ बीसी छाया एबी, और अब लाल बटा कक्का से फॉर्मूला लगाऊंगा, समझ लो यही है इसमें और कुछ नहीं है, ये लंब और आधार है, लंब और आधार किसमें, टेन में, इसलिए मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा, लंब आधार टेन थीटा एक्स रूट तीन एक्स, टेन थीटा एक्स से एक्स कट जाएगा, एक बटा रूट तीन, टेन थीटा एक बटा रूट तीन का मतलब हो गया टेन तीस, तो थीटा हो गया तीस डिग्री। नोट करिए फिर आगे वाला समझाऊंगा। सर ए बी क्यों हुआ ये अंडर रूट तीन एक्स? छाया, छाया, छाया तो नीचे ही होती है, हवा में नहीं होती, एसी नहीं हुआ, छाया नीचे होती है, ठीक है, और ये बी सी एक्स क्यों? ये खड़ी ऊर्ध्वाधर, खड़ी हुई चीज, और जैसे ऊर्ध्वाधर की लंबाई दे दे, इधर से पिन क्यों किया, बच्चों की तो यही जा रही नहीं स्क्रीन, ही दोनों आ रही, दोनों अलग लगाई, हाँ तो मेरी हटा, इससे हट गई है, चलिए भाई स्क्रीन पूरी नहीं आ रही क्या आज? आ रही है सर, पूरी पूरी आ रही है, मेरी फोटो थोड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो फोटो आ रही है तो फिर पूरी कहाँ हुई सर? वो तो आपकी दूसरी आईडी पे आ रही है, आपका आईडी से आ रही है सर, आपकी स्क्रीन तो आईकॉन है उस पे आ रही है, हाँ ये फोटो नहीं आनी चाहिए ना बच्चों को, फोटो आज, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, बात नहीं भाई बात नहीं, 10 पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई, अभी कोई पूछेगा साहब यहां क्यों लिखा, मैं समझूंगा पहाड़ी बीसी, ढलान एसी, एबी नहीं एसी, वृक्ष ये कहां गया, 500 मीटर चलना, पहाड़ी की ऊंचाई बीसी, तो बीसी तो निकालना है मुझे एच मीटर, ढलान 500 मीटर,
किसका है? बात करें ना भाई, बच्चा ही हो तो कह देना। अरे आप ही कर लो उसमें क्या। सर हाँ ये कोणों में सर ए पे दर्शाते हैं। हाँ जी हाँ जी तो चलो साहब, पहाड़ी की ऊंचाई आप सोचने दो। अब ये नया आया ना विषय, एक समझने की कोशिश कर, अब बार बार आ जाएगी समझने में बात। अब देखिए ये साइन थीटा है, साइन कोस स्किन आ रही होगी अधिकतर के तो। ये सर आपकी फोटो आ रही है सर। मेरी फोटो आ रही है जो दूसरी आईडी पे क्लिक करो। अब देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण साइन में है। साइन थीटा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। लंब और कर्ण साइन थीटा, लंब बीसी, कर्ण एसी, साइन 60, बीसी एच, एसी 50, सॉरी 500। साइन 60 रूट 3 बटा 2, एच बटा हुआ 500, 2H और H, यानी आंसर आ गया 250 रूट 3 मीटर। सरल है बात, दिमाग केवल चित्र ये ड्रॉ बनाने में, चित्र बनाने में, और ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बस, बाकी और सब सिंपल है। सर ये मान कहाँ सकते हो, टेबल सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, सिखा देंगे जिसको नहीं भी आती है, चिंता मत करो। और अभी तो आप काम चलाओ, छठी प्रश्नावली में टेबल बनी है उससे देख लो, नहीं आता है जो नोट करो, मैं 11वां समझा रहा नहीं। अगर मोबाइल नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, क्यों है? भेज दी क्या नाम बच्चे का? हाँ साहब चले आगे। हाँ सर एक मीनार क्षेत्रीय समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की छाया की लंबाई 45 है तो मीनार की ऊंचाई। सरल ही लग रहा सवाल, कौन सी मीनार क्या, पहले समकोण त्रिभुज बना लेता हूं फिर सोचेंगे। ए बी सी मीनार, बी सी
सूर्य का उन्नयन कोण यहां पर बनेगा, छाया की लंबाई ए बी, ऊंचाई बी सी, मीनार की ऊंचाई बी सी निकालना है, एच मीटर लिख लिया मैंने, खाली बी सी भी रह सकता है। कोण कितना है 30 डिग्री। ये तो सरल ही लगा, सवाल ही सरल लगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये मेरी फोटो क्यों जाती है बच्चों के, नहीं हट सकती क्या, यहां से हटेगी क्या, कुछ की फोटो ही आ रही है। बस बस हट गई होगी, हट गई सर। चलो अब देखें, अनिल सैनी कनेक्ट हो रहा, तो अनिल सैनी ये बता सकते हो क्या आप, कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाए? अनिल सैनी भाई अपने लंब और आधार है तो कौन सा लगेगा? अनिल सैनी बोलता ही नहीं है तो। टेन थीटा सर। शाबाश, अनिल ही बोला है क्या सर? अरे टेन थीटा कौन बोला? सर हाँ मैं तो दिल भाग हूँ सर। टेन थीटा, तो नाम पूछूं जो बताओ, टेन थीटा लंब आधार 33 लंब आधार 1/√3 एच रूट 3 बराबर 45। गुणा रूट 3 ऊपर रूट 3 नीचे, ये नीचे वाले रूट को इसको रैशनलाइजेशन परिमेयकरण, रूट हटाने के लिए रूट से गुणा करेंगे, जब हटाएंगे तो नीचे कर दो ना, ऊपर नीचे होता है 45√3/3 और ये आ गया 15√3। राइट, अवनमन कौन भी ये क्या? अभी बताऊंगा, दो दिन की शादी में रह के आया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है, देख है ना। हाँ सर। चलो साहब, ये चंद्रप्रकाश अभी कनेक्ट हो गए ना आप, चंद्रप्रकाश के आईडी से। चंद्रप्रकाश हाँ सर। हाँ तो एक तो विलंब से आए हो, इसलिए क्या कैसे ट्राई टाइम हुआ करो, कोई काम था क्या? नहीं। हाँ तो राइट टाइम हो जाया करो। दूसरा आपने जो ये इसको म्यूट करो, मतलब आवाज बंद रखो आप, आपके जो जो ये आसपास जो चल रहा है ना टीवी वगैरह, उसकी आवाज आ जाती है, ठीक है ना। जब जरूरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तब आवाज को ऑन करो। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैं इस पैटर्न से पढ़ा रहा हूं कि कोई
शादी में भी चला गया ना तो भी समझ में आ जाए, इसलिए वो पर वो मन से। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर गिर गया और वो जमीन के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। चलो सब समकोण त्रिभुज, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण यहां आके गिर गया है टूट कर। 10 मीटर को मैं कहां लिखूं, सोचने दो। वृक्ष का शिखर, शिखर का मतलब ये रहा ऊपर, यहां से यहां नीचे आ गया 36 तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ कहां रही, बी 10 मीटर की दूरी। अच्छा ए बी, वृक्ष की ऊंचाई कह रहा, वृक्ष की टूटने से पहले एक वृक्ष की ऊंचाई, इसका मतलब भाई टूटने से पहले तो ये इतना बड़ा था, देखो ये बी है, ये सी है और ये ए है, ये यहां से टूटा और यहां आ गया, तो टूटने से पहले तो भाई ये एसी भी था और बीसी भी था, इसका मतलब इसमें बीसी भी निकालेंगे और एसी भी निकालेंगे। चलो सर दोनों ही निकलेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो मैं बीसी निकालता हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। टेन थीटा लंब आधार, टेन 60 लंब आधार, बीसी बीसी 10 रूट थी। चलिए एसी भी निकाल लेते हैं, ये आधार और ये कर्ण, बता लाल बटा कक्का, ये कह रहा है आधार और कर्ण कोस थीटा, कोस थीटा। सर आधार कर्ण क्यों भाई, बीसी निकाल लिया ना, अब एसी निकालूंगा ना, तो एसी। अब ये निकाले हुए से कोई करना चाहे 10√3 से तो फिर लंब और कर्ण से भी हो जाएगा ये, लेकिन अपन तो ये आधार और कर्ण से ही कर लेते हैं। कोस 60 आधार और कर्ण 60 का मान 1/2 ए बी, ए सी 20 मीटर, अब उत्तर क्या आएगा, टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई। सर इसमें रोड देगा, मार भी दिया हुआ ना, अभी रख देंगे फिर। इसका मतलब ए सी प्लस बी सी, देखिए यहाँ आगे रूट तीन तो आया नहीं, तो इसी को पूरा कर लेते हैं अपन। 10 × 1.732 मान दे रखा है, 1732 के 1 0 और लगा दी, 3 के बाद 10 और लगा दिया, तो ये हो गया
17.32 और ये आया 20 प्लस 17.32, कहने का मतलब 37.32। समझ लो, मोस्ट भी है सरल भी है। कोई होगी, मैं नहीं जा पाया किसी कारण से। सर हाँ जी, जैसे साइन का मान कोसेक थीटा से निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। जब कोसेक थीटा लिखेंगे तो फिर आगे कोसेक थीटा के अनुसार ही लिखना पड़ेगा, फिर कर्ण बटा लंब लिखना पड़ेगा। हाँ सर, जब साइन थीटा लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे। इरेज कर रहा हूँ भाई, चलो सर मिटा दूं? मिटा दो सर। नहीं सर, मिटा दो सर। मिटा रहा हूं। ये अपने क्वेश्चन है, ग्रुप में डाले जाएंगे फिर कोई नोट नहीं करे तो वापस क्या जरूरत है क्या? चलो वीडियो ही डाल देंगे ना आप। ये अपन ने पढ़ाया जिसका वीडियो, एक रिकॉर्डिंग तो देखी थी क्या? के एक भी नहीं देखी अभी, एक भी नहीं डाली क्या? नहीं सर, एक डाल, एक डाली, एक नहीं डाली सर, एक डाली सर, एक ये सर। चलिए आज से रोजाना डालेगी फिर वो। 13वां इधर हमारी जो टीम के सदस्य हैं, ये दो दो तो भैया हैं और ये गुरुजी हैं, तो इनसे कह रहा हूं अब रोजाना डालें। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, अपूर्ण मीनार, पूरी बनी हुई नहीं है वो ऐसे, और यहां से तो बनी हुई है, उसके आधार से, आधार ये रहा, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए। मतलब जी कहाँ जा रहा है वो, ये 60 हो जाए, ये 90। कहने का मतलब है किसी अपूर्ण मीनार के 120 मीटर दूर ये आ गया। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा दिया है उसी स्थान पर, यानी हमें निकालना क्या है, सीडी। सीडी निकालना, चलो दो समकोण त्रिभुज बन गए भाई इसमें। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में 33 लंब बटा आधा। समझना सर, आप बताओ यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो करेंगे जब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक समकोण त्रिभुज करूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर एक दूसरे की वैल्यू पुट करूंगा, फिर एच निकालूंगा। क्योंकि एच इसलिए निकालूंगा, मैंने दो बार पढ़ा इसमें, कह रहा ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, नहीं पूछ रहा मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी सी डी इतना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका 60 डिग्री हो जाए। तो साहब 1/√3, इसका मतलब √3 BC। परिमेयकरण कर लेंगे, देखते हैं। चलो हमें निकालना नहीं है इसको। अब आता है हमारा समकोण त्रिभुज। सर हाँ, ये बीसी कहाँ पे दिया हुआ है भाई, एच निकालना है। ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना कहाँ पे, कि ज्ञात कीजिए मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसका स्थान ऊंचा कितना किया जाए। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब ए बी डी में देखिए 10 60 लंब बी डी ए बी √3 बी डी बच्चे गुणन कर दिया, बस करो। अब अपने पास देखो बी डी भी आ गया और बी सी भी आ गया, तो अब निकालना क्या है, सी डी। सी डी कैसे आएगा, बी डी में से बी सी घटा दे, बी डी -120 बटा। साफ कठिन कठिन नहीं है यार, समझने की बात है। और अब लघुत्तम √3 आ गया, 120 3 -120 260 -120 मतलब ये आ जाएगा जी 120 इंटू 2 240। सर 3 है 3। हाँ मैंने हिसाब दूसरा लगा लिया, मैंने 120 कॉमन ले लिया, 3 - 1 = 2 और 240 ही आएगा। अब परिमेयकरण है,
80√3 मीटर। पूरा करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूरा करते समय कि हम अंडर रूट तीन का मान रख देंगे, 80 का गुणा 1.732 से। कर लीजिए आप इसको। अरे ऐसे देखा जाए तो परीक्षा में तो जिसमें दिया हुआ उसमें रखना चाहिए। ये अपनी बुक में क्या है, आरडी शर्मा से ले लिए चार सवाल इससे ले लिए, तो उन्होंने तो रख रखा था तो इन्होंने उसमें उत्तर में रख दिए, जिसमें नहीं रख रखा था उसमें नहीं रखे, ऐसे। जबकि एनसीईआरटी वाली में एक ही पैटर्न है, नहीं रखना, केवल उसी में मान रखना होता है जिसमें दिया हुआ रहता है। आप तो जिसमें आए उसमें रख देना, नहीं आए 138.56। हाँ, क्योंकि मैंने बरसों कॉपी चेक करी, उसमें लिखा आता है रूट तीन के कारण आए उत्तर के परिवर्तन के अंक नहीं काटे। चौदवा सवाल बहुत सरल है, कोशिश करो आप करने की। देखें ड्रॉ बना करके इसको नोट करने के बाद। हाँ हम कर लिए, लेकिन यहाँ पे 100√3/√3 आ रहा है, तो फिर वो परिमेयकरण करने के बाद 100 तो कटेगा ही नहीं तीन से। सो अंडर रूट तीन बटा अंडर रूट तीन ये तो आई नहीं इसका परिमेय। नहीं नहीं, 100√3/√3 तो रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा। नहीं सर, वो 100√3 आएगा। 100√3 आएगा ना, तो नहीं कटेगा तो होगा सर, रूट तीन की जगह मान रख दो। हाँ और क्या, सर 100,000/1732 आ गया वो अंडर रूट तीन का मान रखने पर। चलो अभी मैं करूंगा। ये तो कंफर्म है ना, 100√3 ही आया है। हाँ सर। चलो हाँ सर, सर बहुत सर उसमें भाग दे दो, 57.73 आ जाएगा। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? देवांग पारिक। अरे वाह, देवांग पारिक कौन से है, कहाँ रहते हो आप? सर पड़े ही। अच्छा, आर्यन पारिक भी आप ही हैं क्या? फिर आर्यन पारिक के नाम से आती है। भैया की आईडी बन रही थी, अब मेरी बना लिया मैं। अच्छा, एक और था ना अपने पास, एक बच्चा 9th D में था, किसमें था वो पारिक, वो क्या नाम था उसका? सर 9th D में मैं था अकेला ही, और कोई नहीं था। नहीं, ये इधर ये इनका हॉस्पिटल वालों का था ना, आई वाले हॉस्पिटल वाले। सर ध्यान नहीं है केशव पारिक। हाँ, वो कनेक्ट नहीं होता क्या? क्या पता सर। चलो साहब, इन्होंने मुझसे कहा कि सर सवाल वाल तो सब कर लेंगे, हमारा जो आंसर आ रहा है 100/√3, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप पहले तो 100 ये रूट थ्री का मल्टीप्लाई करो, और फिर ये जो 100 आया ना आपका। हाँ सर, मेरे आ गए 33.33 और इसको 1.732 से फिर आ जाएगा। सर कैसे है 33.72? अरे 800 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा। अच्छा,
तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, दशमलव तीन तीन तो दो तक ले लिया, ठीक। अब देखिए भाई, आप सबको बोर्ड का पैटर्न वाला मालूम चल गया ना, मैं इसमें भेजेंगे हम लिख करके कुछ कि भाई कॉपी चेक कराना जरूरी है, 20 नंबर उस कॉपी से और कनेक्ट होने से ही मिलेंगे,